अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, 28 अगस्त 2024 को खान कॉम्प्लेक्स में इनकद हुआ वाला मेडिकल कैंप बहुत ही शानदार तरीके से सक्सेसफुल रहा, जिसमें श्री चामुंडेश्वरी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ बहुत ही उम्दा तरीके से सर्विस देते हुए कुल 334 मरीजों का चेकअप अमल में आया और इसमें कुल 5 पेशेंट्स को मेजर सर्जरी करने के लिए पहचाना गया। इससे पता चलता है कि पेशेंट्स को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा अपना खुद का इलाज मुफ्त में करवाने के लिए। श्री चामुंडेश्वरी हॉस्पिटल की जानिब से किए गए अलग अलग स्पेशलिस्ट जैसे कि जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ओबीजी, आर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑप्थल्मोलॉजी, इसके अलावा लैब इन्वेस्टिगेशंस में शामिल हैं सीबीसी, यूरिन रोटाइन, एफबीएस, पीपीबीएस, आरबीएस, ओजीसीटी, आरएफटी, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल, सेरम कैल्शियम, सेरम फास्फोरस, सेरम अमीलेस, प्लेटलेट काउंट, प्रेगनेंसी टेस्ट, ASO, RA टेस्ट, CRP। स्कैनिंग्स में शामिल हैं अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI स्कैन, उसके अलावा इमरजेंसी 24/7 कैजुअलिटी, ICU वगैरह। जो भी पेशेंट्स इस कैंप में हिस्सा लेकर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और जिसको सर्जरी की ज़रूरत है, उनको मुफ्त में सर्जरी मिलेगी। वार्ड चार्जर्स मुफ्त में मिलेंगे, डॉक्टर चार्जर्स मुफ्त में मिलेंगे, नर्सिंग चार्जर्स मुफ्त में मिलेंगी, नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजरन डिलीवरी हो वो भी मुफ्त में मिलेगी। इस कैंप के बाद भी अगर आप इस हॉस्पिटल को जाना चाहते हैं तो ये सारी मुफ्त चीज़ें आपको मुफ्त ही मिलेंगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस तरह के मेडिकल कैंप के पीछे कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा हाथ है और इस कैंप को मुकम्मल तरीके से कामयाब करने और आए हुए मेडिकल स्टाफ की सेवा के लिए जो एहतमाम किया हुआ था वो लाजवाब है। इन चैरिटियों के नाम कुछ इस तरह हैं: महदविया मूवमेंट, HBMSK, मिनबार मार्केटिंग सर्विसेज, काउंसलर मतीन और हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट। पिछले साल भी हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट वाले इसमें हिस्सा लिए हुए थे और इनका मकसद इसी तरह आगे भी लोगों की सेवा करना ही है। जो भी हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी इस तरह के कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेहरबानी फरमा कर अपना नाम इन ट्रस्टों में शामिल करें और बढ़ चढ़ कर ताउन करें ताकि आपका हलाल पैसा अल्लाह की राह में खर्च होता रहे। वैसे भी इस तरह के कार्य खैर कामों में फ़ायदा चैरिटी का नहीं बल्कि आपकी आखिरत का ही होगा। अल्लाह हाफिज़।